हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। एक बार फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं और एक नए टॉपिक पे वीडियो जिसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो इस टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, उस वाले रेड वाले बटन को दबाइए और तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.biological.co.in और उस पर जाके आप डिफरेंट टॉपिक्स पर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। तो चलिए बिना किसी देर के आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, तो अगर हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें, अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें, तो सेंट्रोसोम जो था इस डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंडन। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सेंट्रोसोम वॉज डिस्कवर्ड by a scientist known as Benden, discovered by Benden, and it was named by सेंट्रोसोम was named by, मतलब सेंट्रोसोम का जो नाम सेंट्रोसोम पड़ा वो किसने दिया, named by बोवरी। इसके बाद सेंट्रोसोम से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आप लोग सेल पढ़ रहे हो तब से आपको बताया जा रहा है दैट सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। इट इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो वी कैन राइट दैट सेंट्रोसोम्स आर absent in almost all plant cells. So centrosomes are absent in almost all plant cells. Yeah. प्लांट सेल्स में ये एबसेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड एनिमल सेल्स में इनका मेनली काम होता है टू इनिशिएट द सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो अब हम आपको बताते हैं कि इनके पास होते हैं टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, दे हैव टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। दीज सेंट्रोसोम्स दे हैव टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, इनके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज सेंट्रियोल्स। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है सेंट्रियोल्स, एंड दीज सेंट्रियोल्स दे लाय परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज सेंट्रियोल्स लाय परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भाई कुछ फैक्ट्स जरूरी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की डिस्कवर्ड बाय बेंडन। बेंडन ने सबसे पहले सेंट्रोसोम्स को डिस्कवर किया और इसका नामकरण किसने किया, किसने इसका नाम रखा, नेम्ड बाय बोवरी। इन दोनों साइंटिस्ट का आप लोगों को नाम याद रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बचपन से बताया जा रहा है दैट सेंट्रोसोम्स आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में एबसेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि भाई एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कुछ डिफरेंसेस बताओ, उनमें एक डिफरेंस ये भी हुआ करता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दी सेंट्रोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज सेंट्रियोल्स, या इसमें एक तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है सेंट्रियोल्स, और ये सेंट्रियोल्स आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाए करते हैं। द स्पेस अराउंड सेंट्रोसोम, जो ज़्यादातर दीज सेंट्रियोल्स ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे लाए आउटसाइड द न्यूक्लियस, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ठीक बाहर ये दोनों सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स
The cytoplasm surrounding the centrioles is called centrosphere. Is called centrosphere. उसको हम लोग सेंट्रोस्फेयर कहते हैं. द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग दिस सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर एंड दिस सेंट्रोस्फेयर दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस सेंट्रियोल्स इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम. और एक और नाम होता है इसका, माइक्रो सेंट्रम. ध्यान रखिएगा इसके ये दोनों नाम, सेंट्रोजोम और माइक्रो सेंट्रम. तो इतने पॉइंट्स सेंट्रोजोम से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. फिर इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल एक, ये जो आपके दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से अगर एक की हम लोग बात करें तो इसकी कार्ट व्हील लाइक, इट हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्ट व्हील लाइक. ठीक है ना, कार्ट व्हील जैसा होता है उसकी जैसी इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है. एंड ये प्रोटीन्स का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन्हीं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं जिनका नाम है सेंट्रियोल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ सेंट्रियोल. कार्टवील लाइक अपीरियंस होती है. एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इट हैज अपीरियंस ऑफ कार्ट व्हील लाइक, कार्ट व्हील लाइक होती है. ठीक है, और हमारे पास इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये जो आप ये जो देख सकते हैं, दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि क्या होते हैं, दीज आर ट्रिपलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स. और इसके सेंटर पे हमारा, ये जो सेंटर पे हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हब. दिस इज नोन एज सेंट्रल हब. और ये सेंट्रल हब से ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दीज आर 9 इन नंबर्स. अगर आप इनको काउंट कर सकते हो तो देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे 9 हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं विच आर इवनली स्पेस्ड. जो कि क्या है, इवनली स्पेस्ड होते हैं और हमारे पास ट्रिपलेट्स के फॉर्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. जबकि सेंट्रल पे, सेंट्रल पार्ट में हमारे पास कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है. बट दीज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब बाय अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. ये जो हमारे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक. दिस इज नोन एज रेडियल स्पोक. तो ये इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर के वजह से इस सेंट्रल हब से ये जुड़ा होता है. दिस इज सेंट्रल हब. बट सेंट्रल हब में आप देख सकते होंगे कोई भी ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है. इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग 9+0 अरेंजमेंट भी बोलते हैं. दिस अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 9+0 अरेंजमेंट. इससे पहले हम लोगों ने सीलिया एंड फ्लैजला देखा था. सीलिया एंड फ्लैजला में 9+2 आ रहे, दैट इज बीच में भी दो हमें ट्यूब्यूल्स देखने को, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे थे. बट यहाँ पे सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, केवल और केवल पेरिफ्री पे ही प्रेजेंट होता है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. जबकि सीलिया एंड फ्लैजला में दे आर इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स वाइल इन केस ऑफ सेंट्रियोल्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. और हम लोग इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं जो कि इवनली स्पेस्ड हैं और ये सेंट्रल हब से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिनको हम लोग रेडियल स्पोक भी बोलते हैं. एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट. ये जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं दे फॉर्म द बेसल बॉडी. ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला. सीलिया एंड फ्लैजला की ये बेसल बॉडीज बनाते हैं. एंड एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि ये सेल डिवीजन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, स्पेशली इन द एनिमल सेल्स. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दिस पॉइंट इज फॉर एनिमल सेल्स.
सेल डिवीजन में दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये था स्ट्रक्चर हमारा किसका, सेंट्रियोल का। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग किसी और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप अभी से चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग होगा और उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट पर जाके नोट्स निकाल लीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।